तिहाड़ जेल से 200 करोड़ की ठगी। सलाखों के पीछे भी ऐश की जिंदगी। जेल अधिकारियों पर दौलत लुटाई। जेल में बैठकर करोड़ों की जालसाजी। बॉलीवुड की हीरोइनों संग अयाशी। जैकलीन से रिश्ते की क्या है सच्चाई। रंगदारी के खेल में ठग के कितने यार। सुकेश की बीवी भी बड़ी जालसाज। पंद्रह हीरोइनों से यारी का सच क्या है। सबसे बड़े ठग का सबसे बड़ा सीक्रेट। नमस्कार, खबरों के मेट्रो स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नटवर लाल से भी ज्यादा शातिर दिमाग और तिहाड़ में ऐश की जिंदगी। सलाखों के पीछे से 200 करोड़ की ठगी का खेल और बॉलीवुड ब्यूटीज के साथ मौज मस्ती उसका शौक। शातिर ठग के भ्रमजाल में जो भी फंसा वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर की, जिसके चक्रव्यूह में सिर्फ जैकलीन और नोरा फतेही ही नहीं फंसी बल्कि कई हीरोइन उसके माया जाल में उलझी रही। क्या है सुकेश चंद्रशेखर का सबसे बड़ा सीक्रेट, इस रिपोर्ट में देखिए। दो सौ करोड़ की ठगी करने वाला नटवर लाल, 15 बॉलीवुड एक्ट्रेस से ठग की यारी। जेल से जालसाजी करने वाला शातिर। सुकेश चंद्रशेखर का सबसे बड़ा सीक्रेट। श्रीलंकन ब्यूटी क्वीन जैकलीन फर्नांडीज हो या डांस क्वीन नोरा फतेही, शिल्पा शेट्टी हो या फिर श्रद्धा कपूर, सब उसके इशारों पर नाच रही थी। वो इतना शातिर खिलाड़ी है कि तिहाड़ जेल उसके लिए अय्याशी का अड्डा बन गई। जेल के अधिकारी उसकी चाकरी में लगे थे। 20 करोड़ रुपए देकर उसने तिहाड़ के पूरे सिस्टम को खरीद लिया था। सब कुछ उसके इशारों पर होता था। उसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जिसके शातिर किस्से सुनकर हर कोई सकते में है। सुकेश 19 करोड़ की ठगी के आरोप में 2017 से तिहाड़ जेल में बंद है। जेल में बैठकर ही वो करोड़ों का खेल करता था। आईफोन में इजरायली सिम यूज करता था। पीएमओ और गृह मंत्रालय के नंबरों को स्कूप कर जेल से ठगी का सबसे बड़ा रैकेट चला रहा था। करोड़ों की वसूली करके वो जेल के अंदर भी आराम से अय्याशी करता था। सबसे बड़ी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि रेनबैक्सी की पूर्व मालकिन अदिति सिंह से 200 करोड़ की जालसाजी का खेल उसने गृह मंत्रालय का सीनियर अधिकारी बनकर किया। ठगी का पूरा खेल सुकेश ने इतनी सफाई से खेला कि सुरक्षा एजेंसियों को ठनक तक नहीं लगी। सुकेश नटवरलाल से भी बड़ा ठग है। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बॉलीवुड ब्यूटीज के साथ अय्याशी उसका शौक है। ठगी की मोटी रकम वो बॉलीवुड और साउथ की कई एक्ट्रेस पर लुटाता है। जैकलीन फर्नांडिस के साथ उसके रिश्ते का सच सबके सामने आ चुका है। 200 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी ने सुकेश के खिलाफ शिकंजा कसा तो जेल के पीछे से फ्रॉड के उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। अधिकारियों की जांच में शातिर ठग के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि हर कोई हैरान है। ईडी जैकलीन और नोरा समेत कई एक्ट्रेस से पूछताछ कर चुकी है। 200 करोड़ की ठगी के मामले में आदित्य सिंह के साथ सुकेश की बातचीत की कई रिकॉर्डिंग सामने आ चुकी है, जिसके बाद उस पर शिकंजा कस चुका है। लेकिन सुकेश के वकील का कहना है कि रिकॉर्डिंग के सबूत कितने पक्के हैं ये कोर्ट में पता चलेगा।
ये जो रिकॉर्डिंग सामने आई है सिर्फ एक अटेम्प्ट है जजमेंट बिफोर ट्रायल रीच करने का, कन्विक्शन बिफोर ट्रायल करने का। जो टेप्स हैं वो मैटर ऑफ एविडेंस हैं, वो एविडेंस में टिक पाती हैं नहीं टिक पाती हैं ये सब ट्रायल में पता चलेगा। देश के सबसे बड़े नटवर लाल की काली कमाई से बड़े बड़े गिफ्ट लेने वाली और हवाई सफर करने वाली करीब 15 एक्ट्रेस जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। उनसे पूछताछ के लिए ईडी जल्द ही समन भेजने वाली है। जैकलीन और नोरा फतेही से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही 15 आरोपी एक्ट्रेस को सुकेश के सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। सुकेश ने रैनबैक्सी के पूर्व फाउंडर के परिवार से 200 करोड़ रुपए की ठगी की है। जांच में पता चला है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से ही फोन पर कई एक्ट्रेस से कॉन्टेक्ट किया। पैसों के लालच में नेहा कपूर और नोरा फतेही समेत कई एक्ट्रेस ने सुकेश से जेल में मुलाकात की। सभी एक्टर और एक्ट्रेस को ईडी जल्द ही पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है। ईडी की जांच में पता चला है कि सुकेश इजरायली सिम यूज कर रहा था। इसी सिम से उसने रैनबैक्सी के पूर्व फाउंडर के परिवार को झांसा दिया था। 3 किश्तों में दिल्ली के अलग अलग लोकेशन में पैसे लिए। इसके पीछे वजह यह है कि इजरायली नंबर को शायद ट्रैक करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल था। फिलहाल दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सुकेश के साथ जेल अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि जेल अधिकारियों के साठ गांठ के बिना फ्रॉड का पूरा खेला संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलीन के रिश्ते का सच अब सामने आ चुका है। दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। लेकिन ईडी की पूछताछ में जैकलीन ने यह दावा किया कि वो सुकेश को जानती ही नहीं, कि वो जालसाज है। वो 2017 से लेकर 2021 तक जैकलीन के संपर्क में भी थी। और दूसरी तरफ सुकेश का यह दावा है कि जैकलीन झूठ बोल रही है, उसे सब कुछ पहले से पता था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ठगी के इस खेल में जैकलीन सच में विक्टिम है या फिर वो भी एक गेम खेल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए, तिहाड़ जेल से 200 करोड़ की ठगी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। लेकिन ईडी के सवालों के घेरे में जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही भी हैं। जैकलीन को पिछले दिनों विदेश जाने से रोक दिया गया था। सुकेश ने उन्हें 7 करोड़ से ज्यादा के महंगे गिफ्ट दिए थे। उनके चार्टर्ड प्लेन में उड़ान, विदेश यात्रा और महंगे होटल में ऐश का बंदोबस्त भी किया था। सोशल मीडिया पर सुकेश और जैकलीन की निजी तस्वीरें भी वायरल हैं। तस्वीरों से साफ है कि दोनों क्लोज रिलेशनशिप में थे। लेकिन ईडी की पूछताछ में जैकलीन ने दावा किया है कि वो नहीं जानती थी कि सुकेश इतना बड़ा ठग है। वो खुद को पूर्व सीएम जयललिता के राजनीतिक परिवार से बताता था। हालांकि सुकेश का दावा है कि जैकलीन ने अब तक ईडी को जो भी बताया है वो सब झूठ है। सुकेश के मुताबिक उसने जैकलीन को कई महंगे तोहफे दिए थे। जैकलीन की बहन ने उससे 1.5 लाख डॉलर खर्च लिया था। जैकलीन की मां गोराल्डिन को BMW X5 कार भी गिफ्ट की थी। सुकेश के वकील का भी कहना है कि जैकलीन और नोरा अब खुद को विक्टिम बताने में जुटी हैं। जब तक उन्हें प्रॉफिट हो रहा था तब तक सब ठीक था। कोई भी गूगल करके पता लगा सकता है कि सन टीवी का मालिक कौन है। दोनों ही ऑपोजिट फैक्शंस हैं। उसके अलावा एक सिंपल गूगल सर्च से पता चल जाता है सन टीवी का मालिक कौन है। जब तक गिफ्ट्स मिलते रहे, कुछ और बेनिफिट्स मिलते रहे, तब तक सब सही था। अब सुकेश चंद्रशेखर आज प्रॉब्लम में है तो इन सब ने अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश करी है। विक्टिम कोई भी नहीं है, बेनिफिशियरी हाँ जरूर हो सकते हैं। इस केस से लेना देना है नहीं है, ये सब बातें ट्रायल में पता चली। पूछताछ में जैकलीन ने भी माना कि उन्हें चंद्रशेखर से कई महंगे गिफ्ट्स मिले हैं। इसमें एस्पुएला नाम का घोड़ा, महंगी ज्वेलरी, मिनी कूपर कार भी शामिल है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने चंद्रशेखर से मुलाकातों के बारे में ईडी को बताया था कि वो 4 साल से सुकेश के संपर्क में थी। 2017 से सुकेश से वो बात कर रही थी। 2021 में सुकेश को गिरफ्तार किया गया है। मुझे बताया गया कि वो सन टीवी का मालिक है, पूर्व सीएम जयललिता के राजनीतिक परिवार से है। नोरा फतेही ने भी सुकेश से महंगी BMW गिफ्ट में ली थी। हालांकि उनका कहना है कि वो एक इवेंट में सुकेश से मिली थी जहां उन्हें जबरन कार गिफ्ट की गई थी। सुकेश ने ये भी दावा किया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, शिल्पा शेट्टी समेत कई बॉलीवुड हस्तियों से उसकी दोस्ती है। श्रद्धा कपूर को वो 2015 से जानता है और नारकोटिक्स केस में उसकी मदद भी की थी। राज कुंद्रा की रिहाई के लिए भी उसने शिल्पा से संपर्क किया था।
हरमन बावेजा से भी दोस्ती की बात सुकेश ने ईडी के अधिकारियों से कही है। ईडी की जांच से साफ है कि नटवर लाल सुकेश बॉलीवुड ब्यूटीज का दीवाना है। 2015 में उसने साउथ की एक्ट्रेस लीना से शादी की थी, लेकिन उसके बाद भी उसके कई एक्ट्रेस के साथ रिश्ते रहे हैं। अयाशी के लिए वो बॉलीवुड एक्ट्रेस पर करोड़ों रुपए भी लुटाता है। जैकलीन से अपना परिचय कराने के लिए सुकेश ने पिंकी ईरानी को मोटी रकम दी थी, उसी ने जैकलीन को सुकेश से मिलवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं कि कामयाब आदमी के पीछे किसी एक औरत का हाथ होता है और पुरुष की उसकी तरक्की में एक महिला कंधे से कंधा मिलाकर बराबर का योगदान देती है, लेकिन यहां तो करोड़ों की ठगी और जालसाजी में एक महिला बराबर की भागीदार है। जालसाज हसीना की काली करतूत आप इस रिपोर्ट में देखिए। अयाशी के ठग गिरोह की मास्टरमाइंड नाम एक्टिंग का, काम ठगी का। मनी लॉन्ड्रिंग वाली जालसाज अदाकारा नाम लीना मारिया पॉल, पेशा एक्टिंग, आरोपी 200 करोड़ की ठगी। कमाल की खूबसूरती, लटके झटके ऐसे कि किसी को भी दीवाना बना दे। अदाकारी ऐसी जिसे देखकर हर कोई मुरीद हो जाए, लेकिन करतूत ऐसी है कि जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस हसीना का मोहपाश ऐसा है जिसमें बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियां और बिजनेसमैन फंसते चले गए। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कहा गया है कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी बीवी मारिया पॉल मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे की असली मास्टरमाइंड है। लीना ही सुकेश को जालसाजी का टारगेट सेट करने में मदद करती थी, उससे बॉलीवुड हस्तियों के मुलाकात का जरिया बनती थी। चार्जशीट के मुताबिक लीना ने जानबूझकर पैसे के लेन देन से इनकार किया है। वहीं सुकेश की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उसने सारे सबूत भी मिटा दिए। हालांकि आरोपी लीना ने पूछताछ में मनी लॉन्ड्रिंग से भी इनकार कर दिया। यही नहीं, लीना के पति सुकेश ने कैश डिलीवरी करने के सारे आरोप खुद पर ले लिए हैं। जबकि इस मामले के दूसरे आरोपियों अरुण मुथु, आनंद मूर्ति और जगदीश के मुताबिक लीना ने इन लोगों को अपना नाम न लेने की धमकी दी थी। लीना मारिया का बैकग्राउंड जालसाजी और ठगी से भरा हुआ है। 8 साल पहले भी उसे एक बैंक से 19 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बैंक फ्रॉड के आरोप में उसे साल 2013 में दिल्ली पुलिस ने फतेहपुर बेरी फार्म हाउस से चेन्नई पुलिस की मदद से अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी के वक्त इसे शातिर हसीना के कब्जे से 9 लग्जरी कार और 81 महंगी घड़ियां बरामद की गई थी। जालसाज लीना मारिया ने डेंटिस्ट से फिल्म एक्ट्रेस तक का सफर तय किया है। लीना फिल्म मद्रास कैफे समेत कई फिल्मों में काम कर चुकी है। करियर की शुरुआत उसने साउथ की फिल्म रेड चिलीज के साथ की थी, जिसमें साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल लीड रोल में थे। फिल्मों में काम करने के लिए जुनूनी लीना ने डेंटिस्ट के करियर को बाय बाय बोल दिया था। बॉलीवुड कनेक्शन की कड़ी लीना, साल 2010 में सुकेश चंद्रशेखर की मॉडल और एक्ट्रेस लीना पॉल से मुलाकात हुई थी। दोस्ती बढ़ने के साथ ही दोनों साथ ही रहने लगे। लीना से दोस्ती की वजह से सुकेश की बॉलीवुड में एंट्री हो गई। धीरे धीरे लीना ठगी में भी सुकेश का साथ देने लगी। फिर साल 2015 में दोनों ने शादी भी कर ली। ईडी के मुताबिक लीना और सुकेश लंबे वक्त से लोगों को ठग रहे थे। 2015 में दोनों ने फर्जी चिट फंड स्कीम के जरिए 450 से भी ज्यादा लोगों से 19.5 करोड़ रुपए ठगे थे, लेकिन ये दोनों शातिर कानूनी दांव पेचों से खुद को बचाते रहे। जैकलिन फर्नांडिस से लेकर नोरा फतेही और रैन बैक्सी के पूर्व फाउंडर की बीवी समेत कई हस्तियों से लीना और सुकेश ठगी कर चुके हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक लीना सुकेश की सबसे बड़ी राजदार है।
सुकेश के हर जालसाजी के पीछे लीना मारिया पॉल का ही दिमाग रहता था और आखिरकार अब लीना ईडी के गिरफ्त में आ गई है। उसके पति सुकेश और दूसरे आरोपियों पर भी शिकंजा कसा जा चुका है और आने वाले दिनों में इस ठगी गिरोह और जालसाज की मास्टरमाइंड हसीना का एक एक सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।